Silence, silence! Hi Tusshar, hi Aftab. Tusshar, you're looking so hot. Please say something. Oh, thank you so much. Very excited to be here. Tusshar, India ki first sex comedy ki hai aapne. Please share some experience. Comedies aayi hai, jaise ki Aftab. Masti, Grand Masti, Kyaa Kool Hai Hum 1, Kyaa Kool Hai Hum Part 2, yeah. Ek saari film hai. So, hum logon ne socha ki phir hum Kyaa Kool Hai Hum Part 3 lega. Very nice. Tusshar sir, Kyaa Kool Hai Hum ka third sequel hai ye. So part 1 and part 2 was super duper hit. Part 3 ke baare mein kuch to boliye na please. Ab part 3 ke baare mein kya the? Aapne trailer to dekha hoga. It's a very 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 big hit trailer. Bahut sari cheeze hai us trailer mein. 3 times rockier, 3 times zanier, 3 times funnier. Sari cheeze jo hai bahut matlab pehle aur second part mein 3 times hai. To aapko maza aana chahiye trailer dekhkar aur pata chal jata hai ki film mein kya hone wala hai. Aftab sir, Tusshar sir, ladkiyan aapki bahut badi fans hai aur hum really wait kar rahe hain ki aapki film mein ek bahut badi successful
को ले लिया फिर शॉर्ट में दे दे रहा चीज़ हाँ ये इतने प्रोफेशनल है वैसे मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सब चीज़ें जो है विजिबिलिटी पर आधार है और ये शो इतना बड़ा है और मतलब नंबर वन शो है तो इस पर प्रमोट करने का मज़ा ही कुछ अलग है और क्या है कि जो दर्शक है इस शो का उन लोगों को भी मज़ा आएगा हम तीनों को भी शो पर देख कर कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी देखने को मिल रहा है उनको शो पर तो मुझे लगता है कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कभी कभी अक्सर हम लोग शो पर भी प्रमोट करते हैं लेकिन तुषार ये जो फिल्म है ये सेक्स कॉमेडी है ये जो शो है ये सुपर नेचुरल थ्रिलर है इस शो में हम फिल्म में क्या हो रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं शो में एंड वी हैव कम एज आफ्ताब एंड तुषार ऑन दिस शो हम लोग कैरेक्टर्स बन के नहीं आए हैं मतलब फिल्म की स्टोरी से आधारित एक अलग कहानी बनाई है एज आफ्ताब तुषार और उस अवतार में हम इस शो में आए हैं हम अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स बनकर नहीं आए जो आपको लगेगा कि यार अडल्ट चीज़ें हो रही हैं शो के अंदर वी आर प्रमोटिंग इट इन अ वेरी यूनिक वे जो सीरियल के जॉनर के साथ जाती है लेकिन कॉमेडी फिल्म है तो कॉमेडी शोज में तो जाएंगे ही जाएंगे लेकिन हमारी फिल्म में भी एक कहानी है और शो की भी एक कहानी है यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कपल ऑफ कॉमेडी शोज लेकिन यहाँ मैं सरप्राइज तो नहीं चाहूंगी जब उनकी प्रमोशन शुरू होगी ऑडियंस शुड बी एक्साइटेड टू वॉच अस अभी बोल दूंगा तो एक्साइटमेंट चले जाएगी आई होप सो आई थिंक इनके टैलेंट से दूर नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ये अपने ये थर्ड फिल्म है क्या कूल है हम सीरीज में एंड ऑफकोर्स आफ्ताब एंड तुषार को आई थिंक ऑलरेडी लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये फिल्म देखने आएंगे ही आएंगे कॉमेडी है तो अ लॉट ऑफ पीपल वॉच कॉमेडी ऑल्सो लेकिन हाँ अगर ये गाने ने उसको 5% भी अगर हेल्प करा तो डेफिनेटली करेगा यार तो या इट शुड बी एन एडेड एडवांटेज एंड मैं जानना चाहूंगा कि मतलब जो सेक्स कॉमेडी फिल्म होती है उसमें जो सीन्स होते हैं कि सीन सीन हो या स्टीमी सीन्स हो काफी ज्यादा सेंसर ऑब्जेक्ट करती है कि जरूरी है लेकिन क्या है कि हर देश में हर समाज में एक रेगुलेशन होता है एक मॉरल एथिक होता है जो गाइडलाइंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए दैट्स वाई वी हैव अ सेंसर बोर्ड इन प्लेस तो सेंसर बोर्ड अपनी काम करती है और हम लोग अपना काम करते हैं बट कीपिंग इन माइंड द गाइडलाइंस एंड अगर उनको लगता है कि ये चीज़ मॉरली सही नहीं है या मतलब समाज के लिए ठीक नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन लेते हैं अगर उनको लगता है कि ठीक है समाज के लिए अगर जैसे आप कह रहे हैं नेचुरल चीज़ें हैं वो पास हो सकती है या लोग उसे देख सकते हैं बिना झिझकते या बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के तो वो लोग पास कर सकते हैं पास करते हैं कोई भी फिल्म में काम करना इजी नहीं इजी है मुश्किल होता है जितना मतलब आप उसे मुश्किल है इजी बनाते हैं अपने आप के लिए हाउ मच यू एंजॉय योर वर्क दैट्स हाउ डिफिकल्ट और इजी बिकम्स जॉनर मायने नहीं रखता है कि ये इजी है मुश्किल है एंड कॉमेडी इज ऑल्सो सीरियस बिजनेस जैसे कि सीरियस फिल्में सीरियस बिजनेस होती है कॉमेडी भी सीरियस बिजनेस ही है काम कभी इजी होता नहीं है एंटरटेन करना लोगों के लिए इजी नहीं है इनफैक्ट आई वुड से कॉमेडी और भी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत ज्यादा मुश्किल है रुलाना तो आप किसी दिल में यू नो आप तार छू जाते हो तो इंसान बहुत ईजिली रोता है लेकिन कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट एंड दीज गाइज डू अ फैब जॉब ऑफ इट वेल देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टर्म से रिलेट नहीं करती मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट के फील्ड में एंटरटेनमेंट का एक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए डांस एक बहुत बड़ा हिस्सा है एंटरटेनमेंट का और अगर मैं अपने डांस के लिए जानी जाती हूँ तो व्हाई शुडंट आई डू इट स्पेशली कनिका कपूर ने गाया है साजिद वाजिद का म्यूजिक है तुषार आफ्ताब की फिल्म है बालाजी एंटरटेनमेंट का ऑफकोर्स बैनर है तो आई थिंक ओवरऑल ये ए क्लास है तो व्हाई नॉट